आए हैं वेलिंगटन में, पर इसके ऊपर ना यहाँ पे रेड कलर का एक पार्ट रहता है, वो मुझे नहीं मिला। और इसका कीमत जो है वो अच्छा खासा बढ़ भी गया है। ना तो रोया चाहिए, वोटर देखिए। हेलमेट का कलेक्शन जो है वो तो बहुत ही बढ़िया है, पर जब मैंने फुटेज को प्ले किया उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई, तो अभी मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है, अभी स्टैंडर्ड माइक पे डाल दिया है मैंने। कैसे हो सब आप लोग? हम लोग तो अच्छे नहीं है भाई। देखो मौसम का क्या हाल हो चुका है, और देखो पूरा सारा जगह पे पानी पानी हो चुका है। तो जो भी हो, हम लोग अभी आए हैं वेलिंगटन में। वैसे अपना बाइक का बैकलाइट जो था वो तो हमें कहीं पर नहीं मिल रहा था, तो वेलिंगटन पे आके हमको वो बैकलाइट जो है वो तो मिल गया है, पर उसके अंदर जो रेड कलर का कवर रहता है वो हमें नहीं मिला। तो पिछले वीडियो में भी आप लोगों से बोला था मैंने, तो एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा बैकलाइट कवर, इसको खोल के भी दिखा देते हैं एक बार। तो ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट वाला जो पार्ट है ये मुझे मिल गया है, पर इसके ऊपर ना यहाँ पे रेड कलर का एक पार्ट रहता है, वो मुझे नहीं मिला। और ये बैकलाइट का पूरा सेट जो है वो भी मुझे नहीं मिला। तो अभी लग रहा है कि अपना बाइक जो है उसको चेंज करना ही पड़ेगा, इसका स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है अभी। और इसके साथ हमने ले लिया है एक फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, तो इसको फ्यूल टैंक में डालना पड़ेगा। यार ये तो बहुत पानी आ गया भाई। और इसके साथ हमने ले लिया है एक मोटूल का 300V। वैसे तो 300V 10W50 जो है वो तो बंद हो गया था, मिल नहीं रहा था, फिर से मोटूल ने लॉन्च किया है 300V 10W50 V2 नाम करके, तो ले लिया भाई। और इसका कीमत जो है वो अच्छा खासा बढ़ भी गया है। ये देखो MRP 1600 रुपये का, तो कीमत इसका जितना भी हो भाई, ये इंजन ऑयल है बहुत मस्त। और ये है बिरयानी का के खासे की दवाई। मैं भी अच्छा बोला, ये रहा अपना बिरयानी का खासी का दवाई। ऐसा ही कुछ लग रहा है, दो ढक्कन करके हर रोज दो बार। तो ये वाला जो चीज है ये है इंजन फ्लैशर, तो इस बार मैं कैस्ट्रॉल का यूज कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये कितना अच्छा है। भाई कैस्ट्रॉल का है, अच्छा तो होगा ही भाई। वैसे तो 10,000 किलोमीटर के बाद एक बार इंजन फ्लैश करना चाहिए, तो अभी मेरा तो 15 से भी ऊपर हो गया है, तो इस बार हम इंजन को फ्लैश कर देंगे। और ये देखो यहाँ पे तो पूरा फ्लैश ही हो गया है। खैर ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अभी लग रहा है कि बारिश थोड़ा सा बंद हुआ है, तो कितना बंद हुआ है ये हम देखने जा रहे हैं अभी बाहर की तरफ। चलो निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलो अभी चलते हैं, अभी हेलमेट के दुकान पे जाना पड़ेगा, वहाँ से हम लेंगे अपना बीवी का जो हेलमेट है उसका एक वाइजर, जैसा कि मैंने लिया है वैसा ही एक वाइजर चाहिए। तो पिछले दिन भी हम लोग आए थे यहाँ पे, तो उस दिन तो हमें नहीं मिला था, पर मेरा वाला हेलमेट का वाइजर मिल गया था, अपने बीवी का नहीं मिला था। आज तो लेके ही जाएंगे भाई, आज बहुत सारा दुकान खुला हुआ है। So, भाई लोग और बहनों के बहन लोग, क्या आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो? तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इसमें होने वाला है आप लोगों का बहुत फायदा। तो हम लोगों को शॉपिंग करने में सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि कौन सा ब्रांड में कितना डिस्काउंट है, ये हम लोगों को पता नहीं होता है, तो इसीलिए ना हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट मिस कर देते हैं। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा तरकीब, हर शॉपिंग में आप लोगों को मिल जाएगा डिस्काउंट ऑफर। तो इसके लिए आप लोगों को बस डिस्क्रिप्शन पे दिया गया लिंक पे क्लिक करना है, और आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 40 से भी ऊपर टॉप ब्रांड। किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट आप लोगों को खरीदना है, बस वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप लोगों को ऑफर मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो यही से रिडीम ऑफर कर सकते हो। तो बस ऐसे ही आप लोग ढेर सारा शॉपिंग करो और ढेर सारा बचत करो। ना वोटा तो रोया चाहिए, वोटा देखिए। नहीं भाई इस दुकान पे नहीं मिला, तो दूसरे दुकान पे जाना पड़ेगा। ए बोल्टर भाई जरा बेगो, বোল্টের ভাইজার হবে এই কালারের, এই কালার ব্লু কালার
না না ওইটা লাগবে না। देखो क्या कर रहा है, नया वाला है और इसमें ऐसा कर रहे हो। तो ये रहा वाइजर, देखा लगाने पर कैसा दिखेगा। हाँ मस्त दिखेगा भाई। चलो इसको घर जाके सेट करेंगे बेटा। भाई हेलमेट का कलेक्शन जो है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इस दुकान का नाम है बालाजी। ठीक है चलिए भैया टाटा चलो। तो भाई लोग पूरा मार्केट में हमें ये वाइजर नहीं मिला था, सिर्फ इस दुकान को छोड़ के, ये बालाजी में। सच में यार बालाजी का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है और रिजनेबल प्राइस भी है। और यहाँ से हमने एक हेलमेट क्लीनर भी ले लिया है। भाई हेलमेट में ना बहुत बास मारता है तो क्लीनर ले लिया, उससे ही साफ करेंगे। सो भाई और भाई बहन लोग, तो कुछ देर पहले जब हम यामा के शोरूम के सामने रुके हुए थे और वीडियो बना रहे थे, तो उस वक्त तक भी अपना गोप्रो का माइक सेटिंग जो था वो था स्टैंडर्ड माइक प्लस पे। स्टैंडर्ड माइक प्लस पे मैंने डाल के रखा था कि आसपास का नॉइज भी थोड़ा सा आ जाए, पर जब मैंने फुटेज को प्ले किया उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस बहुत जगह पे ऑडियो का प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है, अभी स्टैंडर्ड माइक पे डाल दिया है मैंने। इसमें ज्यादा बाहर का नॉइज नहीं आएगा पर अपना वॉइस जो है वो क्लियर आएगा। तो अभी जब ये वाला वीडियो एडिट करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला माइक सेटिंग में ज्यादा अच्छा ऑडियो आता है। वैसे तो मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे बात करते वक्त बाहर का नॉइज नहीं आता है, सिर्फ हमारा ही साउंड सुनाई देता है। ये नॉर्मल सी बात है पर मेरे को थोड़ा सा अलग चाहिए था क्योंकि 2 साल से अपने GoPro में एक्सटर्नल माइक नहीं था, यानी कि काम नहीं कर रहा था एक्सटर्नल माइक। तो GoPro के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड करते करते ना एक आदत सा हो गया कि आसपास का नॉइज सुनने को। तो अभी नॉइज नहीं हो रहा है तो अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा माइक का सेटिंग वगैरह ये सब चेंज करके देख रहे थे कि कौन सा वाला अच्छा है। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने GoPro का सेटिंग चेंज किया, अपना पुराना वाला जो माइक था उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था तो वो भी मैंने चेंज कर दिया। तो ये अभी ऑडियो जो सुन रहे हैं ये नया वाला माइक है जो कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। तो वो वाला वीडियो मैंने स्टैंडर्ड माइक प्लस पे शूट किया था और अभी मैं शूट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड माइक पे। और ये बारिश ने ना पूरा परेशान करके रखा हुआ है भाई, 1 घंटे से तेज बारिश चल रहा था, 1 घंटे से ज्यादा ही होगा भाई। और इतना तेज बारिश हुआ कि क्या बताओ आप लोगों को, आप लोगों ने तो देखा ही। हम तो सोचे थे कि 2-2.5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर से शाम को निकलना है हम लोगों को, क्योंकि आज है रक्षाबंधन और अपने बीवी को जाना है उसके भैया के घर राखी पहनाने, और मेरा बेटा भी राखी पहनने वाला है उसके दीदी के हाथ से। तो अभी टारगेट ये है कि कितना जल्दी हम घर पहुँच पाए। ये बाइक के मेंटेनेंस में ना बहुत खर्चा चला जाता है। तो अभी अपना बाइक जिस हालात पे है ना, अगर दूसरे किसी को दे दे तो वो तो भाई अभी तक साल भर बिना खर्चे के चला देगा, पर मुझे दिक्कत ये है कि अपना बाइक जो है ना ये हमेशा टिप टप रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई एक ही बाइक है हमारे पास और ये भाई अपना जान है, तो इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी लगता है मैं तुरंत उसको सॉल्व करवा देता हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।